बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल अदीबाज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वाइट पास्ता पास्ते की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप घी डाल लिया। अब इसे गरम होने देंगे। घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे 5 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मिक्स करते हैं और इसे 5 मिनट फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें हाफ कप पानी शामिल कर देते हैं, ताकि चिकन गल जाए। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। पानी ड्राई हो चुका है और ये देखें, चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें ये 2 से 3 हरी और लाल मिर्चें मैंने काट के डाल दी खूबसूरती के लिए, और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालना, सिर्फ ऐसे ही मतलब फ्राई करना है। अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। ये मैंने 2 से 3 टीस्पून घी डाल लिया, उसे गरम कर लिया। अब हम उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दिया। मिक्स करते हैं और फ्राई करते हैं इसे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। मैदे को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध शामिल कर देते हैं और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। ये 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। साल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ये 1/2 टीस्पून दरा मिर्च। मिक्स करते हैं और 10 मिनट पका लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून फ्रेश मक्खन शामिल कर देते हैं। और 2 मिनट कुक कर लेते हैं। ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह पक गई है। अब हम इसमें ये बॉयल की हुई मैक्रोनी डाल देते हैं। ये मैंने पहले बॉयल करके रख ली थी। और ये चिकन और हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। मिक्स करते हैं। ये देखें, हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी वाइट पास्ता तैयार हो चुका है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और आप लोगों को अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक भी कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।